नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। फॉर्म हाउस पर सो रहे पूर्व सरपंच और कांग्रेस नेता की बदमाशों ने गला काटकर हत्या कर दी है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। मामला बाड़मेर सिवाना थाने के मिठोड़ा गांव का है। जानकारी मिलने पर एएसपी सुभाष खोजा, डीएसपी पचपदरा बालोतरा सहित पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा। एफएसएल टीम मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं। वहीं पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर बदमाशों की तलाशी शुरू कर दी है। एएसपी सुभाष चंद खोजा ने बताया कि मिठोड़ा गांव निवासी आम सिंह पादरू मिठोड़ा रोड स्थित अपने फार्म हाउस पर सो रहे थे। देर रात मंगलवार को करीब 2 बजे अज्ञात बदमाश आए और धारदार हत्या से हमला कर दिया। इस दौरान गला कटने से उनकी मौत हो गई। सुबह करीब 5 बजे हमें घटना की जानकारी मिली। इसके बाद डीएसपी और सर्किल का पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया है। एफएसएल टीम को बुलाकर सबूत जुटाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मृतक आम सिंह अपने फार्म हाउस में रात के समय अकेले ही सो रहे थे। सुबह मृतक का बेटा घर से चाय लेकर पहुंचा तो मृत हालत में देखने पर रिश्तेदारों और पुलिस को सूचना दी। घटना के बाद गांव पूरे में शोक की लहर फैल गई है। पुलिस के अनुसार मृतक ओम सिंह रात के फार्म हाउस की छत पर सो रहा था। वहीं पर हमलावरों ने धारदार हथियार से सिर व गले पर वार किए। इससे गला कट जाने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। छत पर जगह जगह खून के धब्बे थे और लहूलुहान हालत में छत पर शव उल्टा पड़ा मिला था। पुलिस की टीमें अलग अलग एंगल से जानकारी जुटाकर जाँच कर रही है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।